मोदी सरकार थ्री शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 8 पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ समारोह में लगभग 8,000 मेहमान शामिल होंगे। इसमें 7 देशों के प्रमुख भी शामिल रहने वाले हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। कल तक के लिए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। समारोह के दौरान ड्रोन समेत सभी उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। तो नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच देंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब आज शाम को तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। 3 तस्वीरें आपके सामने है। 2014 को जब शपथ ली थी वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 30 मई 2019 को शपथ ली थी वो तस्वीर भी आपके सामने है। अब आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ इतिहास भी बन जाएगा। कोई भी गैर कांग्रेसी नेता लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा, और तीसरी बार मोदी सरकार बनने में अब कुछ ही घंटे बाकी बचे रह गए हैं। मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है, और इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, इन सभी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम है। लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है। अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। नए मंत्रियों में गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। और मेरे दो सहयोगी यतेंद्र शर्मा और अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं, क्योंकि आज तो बेहद खास दिन है, और खासकर विजय चौक पर जहां अभी आप मौजूद हैं, यहां सुरक्षा के इंतजाम आम दिन से क्या अलग नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के तो इंतजाम है ही जो होने चाहिए, लेकिन खास तरीके से विजय चौक और कर्तव्य पथ को यहाँ पर सजाया गया है। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी के कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हम यूं कहें कि पूरा कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन का जो रास्ता है मोदीमय हो गया है, तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ पीएम मोदी के ये जो पोस्टर्स हैं कटआउट लगाए गए हैं, करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर लगाया गया है। मतलब साफ है, संकेत साफ है कि मोदी 3.0 की ये सरकार है, उनके नेतृत्व में यह सरकार बनने जा रही है, और एक विजन देश के सामने दिखाने की यहाँ पर कोशिश होगी, और जिसके आधार पर NDA आगे बढ़ेगा, मोदी सरकार यहाँ पर काम करेंगे। बेहद खास ये तस्वीरें हैं, और जाहिर सी बात है कि जब शपथ ग्रहण समारोह इतना VIP समारोह है तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। नो फ्लाइंग जोन है, और इस तरीके से जो सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल या फिर दिल्ली पुलिस के जवान, उनकी यह नियमित तैनाती है। तो कड़े सुरक्षा के बीच में खास अंदाज में यह कर्तव्य पथ की तस्वीर है। बिल्कुल कर्तव्य पथ की तस्वीरें अमित ने आपको दिखाई। आगे अमित आपका हम एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन आप देखिए चूंकि मंत्रिमंडल गठन की तैयारी भी की जा रही है, और इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी दर्शकों को हम बता दें। TDP के 2 कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। TDP सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, और इसके अलावा चंद्रशेखर पेम्मा सानी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। TDP कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे, और कैबिनेट मंत्रियों के दो यहाँ पर पद मिल रहे हैं TDP को। ये TDP सूत्रों की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। अब राम मोहन नायडू का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा बताया जा रहा है चंद्रशेखर पेम्मा सानी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि TDP के 2 मंत्री कैबिनेट में दिखाई देने वाले हैं। और चलिए अब रुख कर लेते हैं न्यूज 18 इंडिया के। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, हालांकि अभी तो सुबह की शुरुआत है, फोन जाने शुरू हो चुके हैं या कब तक जाएंगे? देखिए फोन जाने भी शुरू नहीं हुए, अब माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर फोन जाने शुरू हो सकते हैं। प्रधानमंत्री
शपथ ग्रहण से पहले करीब 11-12 बजे के आसपास जो मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे उनसे करीब 11-12 बजे के आसपास चाय पर मिल सकते हैं, क्योंकि आप पहले और दूसरे कार्यकाल को देखेंगे तो हमेशा से जब भी शपथ ग्रहण होती है उससे पहले ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री चाय पर मिलते हैं। और आज भी यही माना जा रहा है कि 11-12 बजे के आसपास ये प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण से पहले अपने मंत्रिमंडल के साथियों को दे सकते हैं। तो सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद फ़ोन जाना शुरू हो जाएंगे। हालांकि पहले और दूसरे कार्यकाल में रात को ही एक रात पहले ही फ़ोन चले गए थे, लेकिन अभी तक किसी को फ़ोन नहीं गया है। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद फ़ोन जाना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद करीब 10 बजे के बाद से यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनका आना शुरू हो जाएगा। उनसे करीब 11:30-12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री चाय पर मिल सकते हैं, अपनी शुभकामनाएं देंगे और अपना विजन भी वो अनौपचारिक बातचीत में बता सकते हैं। जी बिल्कुल, और उसका इंतजार भी हमें करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में ये भी कहा था संसद भवन के भीतर कि अगर आपके पास फोन रहे तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि सही शख्स ने किया, अथॉरिटी की तरफ से आया या नहीं, वो क्रॉस चेक आप जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया यतेंद्र, लौटेंगे इन्हीं अपडेट्स को लेने एक बार फिर से आपके पास। और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। यहां से वो सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए, पुष्पांजलि अर्पित की। फिर नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। ये बड़ी खबर आज दिन की शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई तो वो राजघाट पर थे, महात्मा गांधी को यहाँ उन्होंने नमन किया और फिर सीधा यहाँ से वो सदैव अटल गए जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर वहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ये तीन तस्वीरें अब आज देख लीजिए आप, और बहुत ज्यादा समय इसमें लगा भी नहीं। सबसे पहले बापू को नमन करने राजघाट पहुंचे, उसके बाद वो गए सदैव अटल पर जहां अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन किया, और फिर वॉर मेमोरियल जाकर देश के वीर सपूतों को उन्होंने नमन किया, यहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और बलिदान जिन्होंने देश के लिए दिया है आज उन्हें याद किया। तो तस्वीरें आपके सामने है, इसके पहले कि नई सरकार का गठन हो, इसके पहले कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, आज दिन की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले बापू को नमन के साथ की, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर वो पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया, जो एक इतने लोकप्रिय नेता है कि जिनके लिए कहा जाता है अजात शत्रु वो है, न पक्ष न विपक्ष कोई एक शख्स देश में ऐसा नहीं जो उन्हें पसंद ना करता हो। ये तीन तस्वीरें आपके सामने है, सबसे पहले बापू को नमन करना, फिर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करना और फिर उसके बाद सर्वोच्च बलिदान जिसे कहा जाता है देश के लिए न्योछावर हो जाना, उन शहीदों के समाधि स्थल पर जाकर और उन्हें वॉर मेमोरियल पर जाकर वहां उन्हें नमन करना। ये तीन तस्वीरें आज के दिन की शुरुआत और इसी अंदाज में आज की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने। और बड़ी खबर आपको दे दें, नई सरकार के गठन के पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी शपथ ग्रहण के पहले चाय पर नए सदस्यों को शुभकामना देने के लिए आज बुला सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुबह 11-12 बजे के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि चाय के ऊपर चर्चा, जो नए मंत्रिमंडल अब बन रहा है उसमें शामिल जो सदस्य रहेंगे उनके साथ प्रधानमंत्री की हो सकती है, यह अनौपचारिक मुलाकात रहने वाली है। प्रधानमंत्री की संभावना यही जताई जा रही है कि तकरीबन 11-12 बजे ये मुलाकात हो सकती है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इसके पहले कि नई सरकार का गठन हो, शपथ लिया जाए, एक अनौपचारिक मुलाकात और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि किस तरह से सरकार चलाना है, विजन आगे का क्या है, वो भी सामने रख दिया जाएगा। देखिए, पीएम मोदी की कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है कि इससे पहले भी जब भी उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, अगर जिसको उनको शामिल करना होता है, उससे वो अनौपचारिक मुलाकात करते हैं। और इसी क्रम में आज करीब 10 से 11 के आसपास या 12 बजे के आसपास
पीएम मोदी उन सहयोगी दलों और अपनी पार्टी के सदस्यों जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनसे अनौपचारिक मुलाकात कर सकते हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि अपना जो विजन बताने के लिए कि क्या सरकार का मोदी 3.20 का जो विजन होगा वो किस तरीके से आगे बढ़ना है। और देखिए, अगर हम पूरे मंत्रिमंडल के स्वरूप पर नज़र डालें तो वह युवा अनुभवी का और सहयोगी दलों का एक मिश्रण होगा जो कि एक मोदी 3.0 सरकार को ये उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो अलग अलग चेहरे होंगे, कई अनुभवी इन दोनों ही सांसदों का एक मिश्रण रहने वाला है। और खासकर जो वहां पर युवा सांसद पहुंचेंगे, जो पहली बार मंत्रिमंडल में शायद शामिल किए जाने वाले रह रहे हैं, उनसे भी यह खास मुलाकात रहने वाली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब फोन जाना शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को जगह मिलने वाली है उन्हें फोन करके इत्तला करना अब शुरू किया जा चुका है। तो घंटियां घनघनानी शुरू हो गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी को शपथ के लिए फोन जा चुका है, राजनाथ सिंह को शपथ के लिए फोन पहुंचा है। ये अहम जानकारी न्यूज 18 इंडिया आपको दे रहा है। अब देखिए, सुबह के 8:18 हुए हैं और अभी ही जो मंत्री हैं उनके पास फोन घनघनाना शुरू हो चुका है, तैयारी कर लो, आज शाम को शपथ लेनी है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं यतेंद्र का। हम यतेंद्र, आप कह ही रहे थे कि 10 से 15 मिनट के भीतर फोन की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी और बस वही हो चुका है यतेंद्र। देखिए बिल्कुल शालिनी, फोन जाने शुरू हो गए हैं शपथ ग्रहण के लिए, इनवाइट प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से जाना शुरू हो गया है। हालांकि जो कल की रात है बड़ी बेचैनी में कई लोगों की गुजरी होगी क्योंकि फोन नहीं आए, क्योंकि पहले और दूसरे कार्यकाल की बात करें तो एक रात पहले से फोन जाना शुरू हो गया था और ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे थे कि रात से फोन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रात को कोई कॉल नहीं गया, तो जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई जरूर थी हमारी। प्रहलाद जोशी को भी फोन जा चुका है, ये अहम जानकारी दर्शकों को हम दे दें। नितिन गडकरी को फोन जा चुका है, राजनाथ सिंह को फोन चुका है और प्रहलाद जोशी, ये एक नाम और ऐड हुआ है यहां पर यतेंद्र। देखिए बिल्कुल, नितिन गडकरी को लेकर ये चर्चा तेज चल रही थी इस मंत्रिमंडल में कि शायद उनको जगह ना मिले क्योंकि जिस तरह से उनको पार्लियामेंट्री वोट से हटाया गया था, तो ये चर्चा बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही थी कि नितिन गडकरी शायद इस बार नहीं होंगे। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इन्वाइट किया है अपने मंत्रिमंडल के अहम सदस्य के तौर पर, उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर से जगह मिलेगी। सूत्रों का दावा है कि उनको कॉल जा चुका है, राजनाथ सिंह को कॉल जा चुका है, प्रहलाद जोशी को कॉल जा चुका है और धीरे धीरे करके तमाम सदस्यों को कॉल जाएगा। लेकिन सूत्रों का दावा है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रहलाद जोशी, ये तय हो चुका है इनका नाम मंत्रिमंडल के लिए और करीब 11:30-12 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी इन सदस्यों के साथ जिनको शपथ ग्रहण करानी है अपने साथ, उनसे पहले चाय पर मिलेंगे, चर्चा करेंगे, अपना विजन तय करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। लेकिन अब फोन जाने शुरू हो गए हैं, अब सभी नेताओं की घंटियां यानी अपने नेताओं को अपने फोनों पर नजर रख रहे हैं कि कब कॉल आएगा, कब उन्हें बुलाया जाएगा। तो ऐसे सदस्यों को जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है उनको कॉल जाना शुरू हो गया है। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी लेकिन अब सुबह कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आई है, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अमित शाह जैसे नाम हैं जिनका कंफर्म हो चुका है, उनको कॉल जा चुका है, प्रधानमंत्री आवास से उनको चाय के लिए इनवाइट किया जा चुका है। और चाय का मतलब है कि जो चाय पे तो चर्चा होगी लेकिन शाम को वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और ये कैबिनेट सदस्य के तौर पर हैं। उधर TDP से भी खबर आ रही है कि राम मोहन नायडू को भी कैबिनेट मंत्री के लिए कॉल जा चुका है और पी चंद्रशेखर को MOS दिया जा सकता है, उनको भी कॉल जा चुका है। वहीं NCP, शिवसेना जो शिंदे गुट है और इसके अलावा RLD, इन सबको भी कॉल जा चुका है, इनको भी एक एक कैबिनेट में इनको जगह दी जाएगी। RLD से जयंत चौधरी को भी कॉल जा चुका है और सूत्र बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को भी कॉल जा चुका है, यानी कि जो सहयोगी दल है उनको कॉल जा चुका है और लगातार बाकी सदस्यों को भी कॉल जाता जाएगा अभी थोड़ी देर में ही, यानी कि आधे से पौने घंटे के अंदर सभी जो मंत्री परिषद के मंत्री मंडल के जो सदस्य होंगे जिनको आज शपथ दिलाई जाएगी उनको कॉल धीरे धीरे यानी कि आधे से पौने घंटे में सभी को कॉल चला जाएगा जिनको आज शपथ लेनी है। का खुलासा कर रहा है तो न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप बने रहिए कि मंत्रियों के पास फोन जा चुका है और किन्हें जाने वाला है, ये दोनों ही बातें लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अमित, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, कोई नाम आपके पास भी है जिन तक फोन कॉल पहुंच चुकी है?
अजीत जीतन राम मांझी और सुदेश महतो, ये दोनों ऐसे नेता हैं, इनके पास भी कॉल चला गया है और फोन चला गया और इनका भी नाम संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों में है। ये दोनों सहयोगी दल हैं, तो कुल मिलाकर अब धीमे धीमे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उन नेताओं के पास फोन आना शुरू हो गया है और ये उम्मीद कर सकते हैं कई सरप्राइज होंगे। अगले एक घंटे बेहद अहम होंगे, जैसा हमारे सहयोगी यतीन ने कुछ नामों का जिक्र किया और हमने भी कुछ नामों को बोला, तो अगले आधे घंटे या एक घंटे हम ये कहें बहुत अहम होंगे, कई और नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं वो आपको बता देगा कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्री